हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट के अंदर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय द डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से क्या निकालने हैं? स्क्वायर रूट निकालने हैं। पहले हमने किया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मेथड यूज करना है? 2304। ओके, तो इसमें डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड के अंदर स्केयर रूट के अंदर क्या करते हैं, डबल का क्या लगा के चलते हैं, अपने पेयर बना के चलते हैं। और इसमें जो टेबल लेके चलेंगे वो कौन सी टेबल होगी? स्केयरिंग टेबल होगी। अब यहाँ पे चेक करना है 23 के जो नीचे स्केयर परफेक्ट स्केयर नंबर है वो कौन सा रहेगा। तो 23 के नीचे किसका परफेक्ट स्केयर रहता है? 4 का। तो 4 जा कितना होता है? 16। माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। पेयर ही नीचे आएगा नेक्स्ट के अंदर, पूरा का पूरा 04। अब ध्यान में रखना कि क्या होता है कि 4 और 4, इसको यहां पे क्या करना होगा? प्लस। 4 और 4 कितना होगा? 8। अब जो ये नंबर आएगा यहां पे, उसी नंबर से क्या करनी है? उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे चेक करने का एक इजी मेथड है कि अगर यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है? 4। तो 4 कब कब आता है स्केयरिंग के अंदर? एक तो 2 के स्केयर में कितना आता है 4, एक किस में आता है? 8 के स्केयर में कितना आता है? 4। अब यहाँ पे बताया है या तो 2 आएगा या फिर क्या आना चाहिए हमारे पास? 8 आना चाहिए। ओके, तो हम अगर 2 से करके देखूं तो 82 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 4। और ये तो आएगा नहीं आंसर। अगर हम करके देखें 88 से ही क्या होगी मल्टीप्लाई? 8 अगर यहाँ पे पुट किया तो 8 जा 64 और 6 कितना आ जाएगा? 704। मतलब ये आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन आएगा? 8। तो ऊपर आंसर में भी कितना ज्यादा जाएगा? 8। 8 की हो जाएगी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 704। ये माइनस का आंसर क्या आ गया? 0। तो 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना रहेगा? 48। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ऐसे ही उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करना, इजीली हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये बताना है डिजिट कौन से होते हैं। जैसे 6 एक डिजिट है, 4 और 64 है वो 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? 1 डिजिट का या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसकी। ओके, अब 64 है कौन सा नंबर है? इवन नंबर। 64 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 है वो कौन सा नंबर होता है? इवन। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? n अपॉन 2। n हमारे पास कितना था? 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आया? 1। तो ये कह रहे हैं कि अगर 64 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो कितने डिजिट के अंदर आएगा? हमारे पास 1 डिजिट के अंदर आएगा। ओके, वैसे भी हमें पता है 64 का जो स्क्वायर रूट है वह कितना रहता है? 1। तो कितने डिजिट का? ये 1 डिजिट का। अब सेकेंड पार्ट है इसका, क्या कह रहे हैं? 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का होगा? कितना डिजिट का होगा? कितने डिजिट है 144 में? 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। इसका फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? n प्लस 1 अपॉन कितना रहेगा? 2। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 के कैंसिल करेंगे आंसर कितना आएगा? 2। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट वो कितना होगा? 2 डिजिट का होगा। और हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है? 12। तो ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। ओके, ऐसे ही अगर 5 डिजिट दे रखे हैं तो ओड नंबर का फॉर्मूला लगेगा, अगर 4 इवन नंबर में दे रखे हैं तो कौन सा लगेगा? एन बाय 2। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें है डिजिट निकालने के लिए ओनली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर।
क्या करना है, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या बन जाना चाहिए हमारे पास, परफेक्ट स्केयर नंबर। हमें एक नंबर दे रखा होगा, उसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर है वो सबसे छोटे से छोटा कि सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। तो क्या करो, इसको डिवीजन मेथड से करना है 402, पेयर बना के चलने हैं राइट हैंड साइड से। ओके, तो कितना पहले चेक करना है कि 4 किसी का स्केयर होता है, तो 2 का स्केयर होता है वो कौन होता है, 4। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। यहां से पेयर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 02। अब जो नंबर है वो यहां से उठाएंगे वो कितना होगा, 2, और 2 को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। यहाँ पे कौन सा नंबर लेके आना होता है कि जिस नंबर यहाँ पे रखेंगे वो उसी नंबर से क्या करनी होगी, उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर 1 से करें तो कितना आएगा, 41 हो जाएगा, पर 41 तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो कितना है उससे छोटा कौन रहेगा, 0। तो 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 2। ऊपर भी आंसर में कितना चला जाएगा, 0। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, 402 में से वो लिस्ट नंबर कौन सा आया है हमारे पास है, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 400। और 400 है वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर है, और किसका है परफेक्ट स्केयर, वो है हमारे पास 20 का। 20 का अगर स्केयर करोगे तो क्या आएगा, 400, और 400 का स्केयर रूट है वो कौन है, 20। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब बात आए किसी सब्ट्रैक्ट की तो रिमाइंडर को क्या करना होगा, माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज मस्ट बी एडिड फ्रॉम द नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्केयर। क्या करना है, लीस्ट नंबर क्या करना है, प्लस करना है ताकि वो क्या बन जाए हमारे पास, परफेक्ट स्केयर नंबर। हमें एक नंबर दे रखा है कि इसके अंदर क्या प्लस करें कि वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। तो इसको भी क्या करोगे, डिवीजन मेथड से 5 2 5 पेयर बना के चलने हैं पीछे से। अब 5 को चेक करना है, 5 से नीचे जो परफेक्ट स्केयर नंबर है वो कौन सा है, 4। तो कितने का होता है वो, 2 का, तो कितना आएगा, 4। तो आंसर यहाँ पे 5 - 4 1 2 5। यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, इन दोनों को प्लस करने पे आता है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे एक नंबर लेके आना है जो इससे छोटा रहना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर लेके आएंगे उसी नंबर से क्या होगी इसकी मल्टीप्लाई। जैसे हम करते हैं 42 को 2 से करते हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्केयरिंग टेबल चलती है इसमें। अगर 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 84। अगर 3 से करके देखेंगे तो कितना आया, 9 1 2 9 1 2 9 है वो इस नंबर से क्या रहेगा, बड़ा है, तो क्या लेके चलना पड़ेगा हमें, 84। तो 2 ही ऊपर चला जाएगा तो कितना है, 84, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 41। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 41। अब क्या करना है कि 22 आंसर है, इसका स्केयर करके देखें तो 184 जो स्मॉलेस्ट है किससे, जो हमें नंबर दे रखा है 5 2 5 से। अब ध्यान में रखना, इससे एक प्लस ज्यादा नंबर लेके चलना है, 23 का क्या करना है, स्केयर कितना है, 529 जो इसके आसपास है। तो 529 में से माइनस करोगे 525, तो कौन सा नंबर आता है, 4। तो वो ये लिस्ट नंबर है जिसको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्केयर नंबर आ जाएगा। हमें कौन सा नंबर दे रखा था, 5 2 5 2 5 दे रखा था, इसके अंदर अगर मैं 4 प्लस करूं तो 529 आएगा, जो एक परफेक्ट स्केयर नंबर है, और इसका स्केयर रूट कौन है, 23। ओके, तो इस दोनों क्वेश्चनों के अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करना है, अगर बात आए किसकी प्लस करने की तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा उसका नेक्स्ट नंबर का क्या करना है, स्केयर करना है, और जो नंबर दे रखा है उसको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, लिस्ट नंबर रहेगा, जिसको हम क्या करने पे, प्लस करने पे परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है, आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इन चारों एक्सरसाइज को अच्छे से करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।